रजिया के साथ हैं, इनकी उम्र है 25 साल और ये गैरतगंज एमपी मध्य प्रदेश से हैं। इनको फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सर्जरी हुई, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई और अब ये हमारे पास हैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए। तो क्या हुआ था, गिर गए थे आप, कुछ चोट लगी थी? गिर गए थे सर, गाड़ी। कब की बात है ये? 8-8 महीने, 8 महीने पहले। तो उसमें फ्रैक्चर हो गया आपके हिप में जी। तो उन्होंने क्या ऑपरेशन किया? स्क्रू डाल दिए। ठीक है, 3 स्क्रू डाले। हाँ, तीन स्क्रू डाल दिए थे। कुछ दिन बाद पसा ना। कितने दिन के बाद? 8-10 दिन के बाद। 8-10 दिन में? हाँ। ओके, फिर? फिर उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल आए, पहले छुट्टी कर दी थी उन्होंने, दोबारा आए तो उन्होंने दोबारा खोल कर उसको सफाई करी और फिर ये जब नहीं डाली है ना, आपने जो पहले डाली है बाद में डाली, 8-10 दिन बाद। अच्छा, मतलब स्क्रू निकाल दिया फिर उन्होंने? नहीं, सिर्फ सफाई की, सफाई छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपने नहीं, ये कब डाला? ये बाद में डाला उसने, 8-10 दिन के बाद, जब मतलब दर्द हुआ, टांके कटवाने वाले, मतलब पस आने लगा। मतलब वो तीसरा ऑपरेशन? हाँ, तीसरा ऑपरेशन, वो दूसरे हॉस्पिटल में डलवाया। तो इनके स्क्रू निकाले गए, इन्फेक्शन था, तो उन्होंने उनकी जो बॉल है, जो हेड है, उसको निकाल दिया और उसकी जगह एक सीमेंट कोटेड एंटीबायोटिक लोडेड एक स्पेसर डाला है, जो उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव है, जो हम आपको एक्सरे में दिखाएंगे, और खुद ही उन्होंने सीमेंट से बनाकर। हालांकि उसने अपना काम किया और इन्फेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन वो एक कमज़ोर इम्प्लांट था, जो स्पेसर तो काफ़ी कमज़ोर था, तो रजिया इसलिए चल नहीं पा रहे थे उससे, तो प्रैक्टिकली बेड पे ही थे पिछले 10 महीने से। हाँ। और काफ़ी परेशानी में थे, पैर की लेंथ भी थोड़ी कम थी, और अब ये हमारे पास रिवीजन के लिए आए हैं। तो इनका हमने स्पेसर निकाला है, स्पेसर निकाल कर, और जो हमने ब्लड टेस्ट देखे तो उसमें हमने देखा कि इनको अब कोई इन्फेक्शन नहीं है और इनकी फाइनल सर्जरी हमने की है। अच्छा, पिछले 10 महीने में जब ये स्पेसर डला हुआ था, हाँ, काम कैसे चला रहे थे फिर? कैसे कैसे? बहुत परेशानी थी डॉक्टर, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी चलने फिरने में, बैठने में, लेटने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो फिर मतलब सीढ़ी चढ़ना और ये वो तो सब कुछ भी नहीं कर पा रहे, सफर करना, जैसे जाना है जाना, तो एक दो बार में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। रजिया का जब इन्फेक्शन हुआ तो इनको ये एंटीबायोटिक स्पेसर डाला गया था, जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आए हैं, और इस स्पेसर में बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इसलिए पेशेंट चल नहीं पाते हैं, लिम्प करते हैं और पूरा सपोर्ट नहीं ले पाते हैं। शॉर्टनिंग है क्योंकि ट्रोकेंटर ऊपर चला गया है, ये ट्रोकेंटर नीचे है। पेल्विस हालांकि बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें पेशेंट को काफ़ी तकलीफ है, इसका अब हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं। एक यंग आदमी को अगर हम ऐसे बेड पर छोड़ दें 10 महीने के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि फिजिकल और मेंटल कितना बड़ा टॉर्चर है, लेकिन अब इनका रिवीजन हमने किया है और इनका इम्प्लांट हमने नॉन सीमेंटेड यूज़ किया है, और अगेन 10 महीने के बाद अब ये दोबारा चलने लगे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम कुछ ही दिनों में, क्योंकि मसल्स वीक हैं, इतने दिनों से चलने की आदत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें उम्मीद है कि रजिया अपनी नॉर्मल लाइफ पर वापस आएगी। ये सर्जरी से नेक्स्ट डे का इनका हम एक्सरे देख रहे हैं, इसमें हमने नॉन सीमेंटेड सॉकेट यूज़ की है, बोन क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने स्क्रू डाला है और नीचे नॉन सीमेंटेड स्टेम है। इमीडिएट सर्जरी के बाद आप देखेंगे पेल्विस थोड़ा सा टिल्टेड है, जो राइट साइड जिधर हमने सर्जरी की है, ये पेल्विस थोड़ा सा लोअर डाउन है, तो इसलिए पेशेंट को लग रहा है कि उनका पैर थोड़ा लंबा हो गया है, बट टाइम के साथ ये बैलेंस आउट हो जाता है।
तो लेग लेंथ इक्वल है एग्जामिनेशन में, सबसे पहले हम देखेंगे। पहले हम लेफ्ट की मूवमेंट करते हैं जो नॉर्मल है। पहले राइट की मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी क्योंकि बहुत पेन था, पेशेंट को तकलीफ थी। कितना मोड़ पाएंगे उसको? अपने आप मोड़िए। अभी भी पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि इतने महीनों से ये पैर मुड़ा ही नहीं है, तो 45 डिग्री में भी उनको एफर्ट लग रहा है, लेकिन टाइम के साथ ही मूवमेंट आएंगे। और रोटेशंस पहली बार वापस आई हैं क्योंकि पहले ये रोटेशंस बिल्कुल नहीं थी, और अबडक्शन भी अब पॉसिबल है। तो ये काफ़ी फ्री हो गई है मूवमेंट, और अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं सर्जरी, तो आई थिंक जितना टाइम जाएगा, जितना एक्सरसाइज करेंगे, ये मूवमेंट्स और भी अच्छे होंगे। स्लोली जाएंगे, कंट्रोल करके बॉडी को। वेरी गुड। तो एक साल के बाद बैठ रहे हैं? हाँ। जो पहली बार भी बैठे थे, दूसरी बार में कम है पेन? हाँ, कम है। कम है। तो आप थोड़ी सी हेल्प, इनकी हेल्प करें, खड़े होने। ये नीचे हाथ कट कर नहीं? नीचे कट कर सकते हो। हाँ। पर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी हेल्प कर दे, क्योंकि पहली बार कर रहे हो। वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। हाँ, स्लोली जाएंगे, कंट्रोल करेंगे बॉडी को, गिरना नहीं है एकदम। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जितनी बार करोगे उतना आसान होता चला जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। ये है सर्जरी के 3 महीने बाद का एक्से। तो इसमें आप देखेंगे पेल्विस बिल्कुल बैलेंस हो गया है, अब पेशेंट की लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, और आप ये देख सकते हैं जो नॉन सीमेंटेड सॉकेट हमने यूज़ किया था, इसमें जो बोन है बिल्कुल उसके ऊपर ग्रो कर रही है, अच्छी ग्रिप आ गई है इसकी। और इसी तरह से इधर भी आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल वेल फिटिंग इम्प्लांट है। तो रज़िया हमारे पास आए हैं 3 महीने के बाद, ऑपरेशन किया था 3 महीने पहले इनका, और आज मैं इनको पहचान नहीं पाया क्योंकि इनके चेहरे पे इतनी खुशी है कि ऐसा लगता है कि इनका इनकी शक्ल ही चेंज हो गई है। तो मुझे पूछना पड़ा कि आपका ऑपरेशन कब हुआ था, आप कौन हैं। तो पेशेंट को कई बार बुरा लगता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं, बट ऐसा होता है कि पेशेंट की पर्सनैलिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है सर्जरी से पहले। जो आते हैं परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, लेकिन जब कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट को वापस और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हैं, तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होते हैं। हाँ जी रजिया, क्या बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है डॉक्टर। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अब ऐसी सर्जरी भी होगी या मैं फिर कभी बैठ भी पाऊंगी है। लेकिन जब आपकी वीडियो देखी और इनने इतनी कोशिश की सब कुछ, तो ऐसा हो पा रहा है। खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसी खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं। ये फैमिली जो हमारे पास आते हैं, इतने दूर से आते हैं, और हमारे परिवार का जब हिस्सा बन जाते हैं, तो ये हमेशा खुश रहें, अपना काम करें, जो भी लाइफ में आप करना चाहें आप करें। जी सर, आपके एफर्ट थे बेसिकली कि आपने ढूंढा हमें एक ही दूर पहुंचे। हमने करा जी जी बारे में जी, फिर इनके भाइयों के साथ देखी करने भी आ गए, मतलब ऐसे डाल भी देते हैं मसल हो जाते हैं, मतलब पक्का करने के लिए। इनको विश्वास नहीं था कि क्या सच में ऐसा होता है, और उन्होंने पहले आके उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा है, एंड देन दे वेंट फॉर सर्जरी। तो बहुत अच्छा रहा, अच्छा रिजल्ट रहा, और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि हमारी मेहनत सफल हुई और आपको रिजल्ट मिला। कुछ कहना चाहते हैं आप जैसे बहुत पेशेंट हैं जो डरे हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप डरे नहीं डॉक्टर साहब, मतलब जो कुछ बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, और ऐसा होता भी है। लोग कहते हैं कि ऐसा ऑपरेशन नहीं होता कि बैठ नहीं पाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी यही सोच थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मायूस थी कि अब क्या होगा, मतलब जिंदगी ऐसा लग रहा था, एक बोझ लग रही थी। लेकिन जब डॉक्टर की वीडियो देखी और सब कुछ इतना नॉर्मल सब इतना अच्छा हुआ। तो मतलब दीज आर बेसिकली वेरी इमोशनल मोमेंट्स फॉर अस ऑल्सो, कि ये पेशेंट इतने खुश हो जाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर, आपको बहुत दुआ।
इसके बाद हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए क्योंकि माहौल काफ़ी संजीदा हो गया था, लेकिन ये लफ्ज़ और ये तस्वीर हमेशा हमारे जहन में रहेंगे, हमें इंस्पायर करते रहेंगे कि जितने भी लोग हमारे पास दुख और तकलीफ में आते हैं, हम पूरी लगन और मेहनत से उनकी सेवा करें, और जब वो हमारे पास जाएं तो सिर्फ हंसते हुए।